एक कटोरी बेसन से 1 किलो खमन ढोकला बनाओ, वो भी बिना कोई झंझट के, बहुत ही टेस्टी एंड फ्लफी फ्लफी से, बिल्कुल फुले फुले से, जैसा मार्केट से आपने मंगाया वैसे ही लगेगा, क्योंकि हर किसी को खमन ढोकला बहुत पसंद आता है बट हर किसी से बनता नहीं है। तो चलो हम सेम आज परफेक्ट खमन ढोकला की आपको रेसिपी शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला बाउल ले लिया है, उसमें हम 1 कटोरी बेसन ऐड ऑन कर देंगे। आप कोई भी बेसन ले सकते हो, मैंने यहाँ पे फॉर्च्यून का बेसन लिया है। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी सॉल्ट, 1 चुटकी चीनी की ऐड ऑन कर देंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी को ऐड ऑन करेंगे। बिल्कुल आप पानी थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करना, एक साथ कर दोगे तो ये बेसन का घोल है वो ज्यादा पतला ना हो जाए, वो चीज का जरूर ध्यान रखना। और थोड़ा थोड़ा करोगे तो ये लम्स फ्री बेटर बनेंगे, तो ढोकले आपके अच्छे बनेंगे फ्रेंड्स। और ढोकले बनाने की जो सीक्रेट टिप्स है वो फ्रेंड्स ये है कि आप कभी भी ढोकला का जो घोल है ना वो बनाओ तो एक ही साइड आप उसको टर्न करोगे, मतलब एक ही साइड घुमाओगे, आप दूसरी साइड उसको टर्न नहीं करोगे, एक ही साइड टर्न करोगे ना तो इसका बैटर के जो अंदर फॉर्मेट है ना वो अच्छी तरह से होगा, मतलब एयर पॉकेट बबल्स है ना वो अच्छी तरह से बनेंगे, तो आपके खमन ढोकले फ्लफी फ्लफी से रहेंगे। तो ये देखो, ये हमारा घोल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमें जिस भी प्लेट में ढोकले को सेट करना है उसको हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। यहाँ पे मैंने राउंड वाला मोल्ड ले लिया है, आप स्क्वेयर वाले ले सकते हो ठीक है, या फिर आप ट्रे में भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। अब हम खमन ढोकला बनाने के लिए जो बेसन हमने रेडी किया था उस पर मैंने आधा मतलब इनो को ऐड ऑन कर दिया है। ये नॉर्मल इनो है, मतलब लेमन फ्लेवर वाला, इसमें हम कोई भी फ्लेवर वाला इनो नहीं लेंगे। और थोड़े से मतलब हमने नींबू को इसमें निचोड़ दिया है ताकि नींबू अच्छी तरह से मतलब खट्टा टेस्ट भी देगा ढोकले में ठीक है, और इनो के साथ आप ऐड करोगे तो अच्छी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब फ्लफीनेस देगा। तो इसको देखो मैं बहुत ही स्पीड में अच्छी तरह से घोल दूंगी ताकि ये जो ढोकले का बैटर है ना वो अच्छी तरह से मतलब फ्लफी हो जाए फ्रेंड्स ठीक है, और इसमें जो भी मतलब इनो है वो अच्छी तरह से बैटर के साथ मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो इसका कलर है बिल्कुल चेंज होने लग गया है ठीक है, और कितना ये फ्लफी फ्लफी हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने जो मोल्ड ग्रीस किया था उसके अंदर हम ये बैटर है उसको ऐड ऑन कर देंगे, और बस यही थिकनेस हम रखेंगे फ्रेंड्स बैटर की, हम ज्यादा इसको मतलब पतला नहीं करेंगे। तो इस मोल्ड को हम थोड़ा सा ऐसे टेप कर लेंगे ताकि ये इक्वली अंदर से हो जाए ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर दिया था ठीक है, इसके ऊपर बस ये मोल्ड रख दूंगी और ढक के अब 3 से 4 मिनट तक इसको रख दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुका है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, हम ये चक्कू से चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अभी 3-4 मिनट अराउंड हुआ है, ये ढोकले हमारे सेट नहीं हुए है, चक्कू हमारा क्लीन नहीं हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 मिनट के बाद हम दोबारा से इसको ओपन करके देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ढोकला बिल्कुल हमारा मतलब परफेक्ट बन चुका है, बिल्कुल चक्कू में इसका बैटर चिपका नहीं है। अब इसको बस हम नॉर्मली 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे स्टीम में ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ढोकले है वो ठंडे हो चुके हैं, और देखो हमने ऐसे साइड से उसको नाइफ से मतलब कवर था वो हटा दिया है ठीक है। अब हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में इस मोल्ड को उल्टा करेंगे फ्रेंड्स और थोड़ा सा टेप करेंगे ताकि ढोकला है वो अच्छी तरह से हमारे प्लेट में आ जाए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितने मज़ेदार से ढोकला है वो रेडी हो चुका है और कितना फ्लफी बना है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग। जैसे मार्केट में मिलते हैं, मार्केट में ये 250-300 रुपये किलो मिलते हैं, घर पे सिर्फ आप 1 कटोरी बेसन से ये इजीली बना सकते हो। कभी भी गेस्ट आए, कभी बच्चे को खाने का मन करे, संडे हो तो आप एनी टाइम ये ढोकला इंजॉय कर सकते हो ठीक है। और ये आप नॉर्मली फ्रिज में 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, आप कभी भी रखना चाहो तो। और ये बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हो ठीक है, बच्चों का कभी फेस्टिवल है तो उसमें भी आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भर के भी दे सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली अमेजिंग सी रेसिपी है ये, और इंस्टेंट बनने वाली फ्रेंड्स बहुत ही कम पैसे में।
तो फ्रेंड्स आप जो भी मतलब डिज़ाइन में कट करना चाहो वो कर सकते हो, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम मार्केट में मिलते हैं वो ही डिज़ाइन में मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही इजीली कट भी हो रहा है, आप देख सकते हो कितना स्पंची हो रहा है, ठीक है। तो एक पीस मैं आपको दिखा भी देती हूँ नियर बाय से। फ्रेंड्स ये देखो कितना जालीदार बना हुआ है, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी सा, देखो फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट। और कोई नहीं बताएगा कि ओनली फॉर आपने एक कटोरी बेसन से ये ढोकला को रेडी किया है, और हर किसी को ढोकला बहुत पसंद होता है। तो चलो अब हम इसको खट्टा मीठा और तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। पैन में अराउंड मैंने 1.5 से 2 चम्मच ऑयल एड ऑन किया है। 1 चम्मच हम यहाँ पे सरसों को एड ऑन कर देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता ले लिया है, और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च को कट कर दिया है। इसको हम हरी मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हम फटाफट से इसमें 1/2 ग्लास पानी एड ऑन कर देंगे। आप पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही एड ऑन करना, क्योंकि जो खमन ढोकला होता है वो स्पॉन्जी होता है पानी वाला, तब भी खाने में वो टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स खट्टा मीठा बनाने के लिए यहाँ पे देखो मैंने 1/2 नींबू को अच्छी तरह से पानी में निचोड़ दिया है ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए, और अराउंड 1/2 टेबल स्पून हम इसमें शुगर को भी एड ऑन कर देंगे। ये पानी जो हमने उबलने को रखा था फ्रेंड्स वो अब आधा हो चुका है। ये पानी को हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे होने देंगे। तो ये देखो हमने ढोकले के ऊपर इस तरह से इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करते रहे सारे ढोकले के ऊपर, ताकि ये स्पॉन्जी हो जाए रसीले से। और फ्रेंड्स कितने अमेजिंग लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये आप ज़रूर एक बार बना के देखना। हम इसको धनिया से गार्निश कर देंगे। और जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने रक्षाबंधन की स्वीट डिश बहुत ही सारी अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, तो प्लीज़ वो भी जाके जल्दी से आप वॉच कीजिए, और कुछ नई नई डिशेज अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए बना के। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारे टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसे 10 रुपए में खमन ढोकले रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और इस खमन ढोकले को बनाना मत भूलिएगा एक बार जरूर इस तरह से बनाना, बहुत ही इजी ट्रिक है ये। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।